हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे विंडो 8 में हम किस तरह पेंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट यानी MS पेंट को हम चार तरीकों से ओपन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा, सेकेंड मेथड कमांड के द्वारा, थर्ड मेथड रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा और लास्ट और फोर्थ मेथड शॉर्टकट की के द्वारा। फ्रेंड्स, ये चारों मेथड हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ये चारों मेथड आज आप विंडो 8 में सीखेंगे। बेसिकली ये चारों मेथड सभी विंडो में सेम तरह से ऑपरेट होते हैं, बस थोड़ा सा लुक वाइज ऑप्शन चेंज रहता है। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से MS पेंट को ओपन करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। और आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया कर उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आपको बता दूं आप किस तरह विंडो 8 में या अपने PC या लैपटॉप में किस तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने MS पेंट में यूज होने वाले A to Z सारे शॉर्टकट कीज के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को भी देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम जानते हैं लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा। इसके लिए सिंपली हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा। सिंपली आपको इस सर्च बार में MS पेंट टाइप करना है। MS पेंट टाइप करते ही आपको सबसे फर्स्ट में पेंट एप्लीकेशन शो करेगा। पेंट एप्लीकेशन शो करता है इस तरह। यहाँ पर आपको लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इस तरह हम फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा कमांड के द्वारा। इसके लिए सिंपली हमें फिर से विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें सर्च बार में आना है। सर्च बार में हमें सिंपली कमांड टाइप करना है, यानी CMD। CMD टाइप करते ही आपके सामने एक कमांड का डायलॉग बॉक्स शो करेगा। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड प्रोमोट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस ऑप्शन कमांड पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जिस एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं। तो हम MS पेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए टाइप करना होगा स्टार्ट START स्पेस MS पेंट, और इसके बाद सिंपली हमें अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटर बटन प्रेस करते ही हमारे सामने पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इस तरह हमारा सेकेंड मेथड भी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमें इसको क्लोज करना है तो इसके लिए हमें एग्जिट टाइप करना होगा, EXIT। एग्जिट टाइप करने के बाद सिंपली हमें फिर से अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जैसा कि आप देख रहे हैं वो कमांड का डायलॉग बॉक्स ऑफ हो गया है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड मेथड जो है रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा। इसके लिए सिंपली हमें अपनी कीबोर्ड से विंडो बटन और R बटन प्रेस करना है, या हमें विंडो स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है। विंडो स्टार्ट बटन पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आना है। सर्च बार में हमें RUN टाइप करना है। इस तरह हम रन डायलॉग बॉक्स को दो तरह से ओपन कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की विंडो प्लस R और दूसरा बार में आके रन टाइप करते हैं। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें माउस के लेफ्ट बटन को रन ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सर्च बार में MS पेंट टाइप करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है या यहाँ ओके पर क्लिक करना है।
तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं हमारा थर्ड मेथड भी कंप्लीट होता है। चलिए हम अपने लास्ट और फोर्थ मेथड शॉर्टकट की के द्वारा देखते हैं। इसके लिए विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ सर्च बार में आकर टाइप करना है MS Paint। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया है। सिंपली इस पर हमें माउस का लेफ्ट नहीं राइट बटन प्रेस करते के साथ ही आपको यहाँ शो करेगा ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पर हमें सिंपली लेफ्ट बटन प्रेस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेंट एप्लीकेशन का लोकेशन शो कर रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली फिर से माउस का राइट एरो की प्रेस करना है। राइट एरो की प्रेस करते ही इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आए हैं। हमें यहाँ पर सबसे नीचे प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कीजिएगा तो आपके प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह शो करेगा नोन लिखा हुआ। तो यहाँ आपको अपने कीबोर्ड में A to Z 26 अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट को चूज करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे P चूज करते हैं। तो बस यहाँ पे आपको P प्रेस करना है। P प्रेस करने के बाद ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट अपने आप आ गया है। इसके बाद सिंपली हमें अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है और इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो हमने शॉर्टकट की बना लिया है। तो हम उसे ओपन कैसे करेंगे? तो हमें अपने कीबोर्ड में अल्ट कंट्रोल और पी को प्रेस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर MS Paint एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो इस तरह हम चारों मेथड से MS Paint को ओपन करके आपको दिखा दिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।